हुआ सब लोग को लेके बनाया हूँ, लेकिन अभी जनता दरबार मनोज आर पांडे जी को लेके बनाया, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। और पंकज कमल जी से तो मैंने कई बार कहा कि भाई आपसे जो है चिता सर जी से इतना जमता है, एक बार मिलना चाहता हूँ मैं, आज हमारी वो भी मुराद पूरी होगी। और सर सजाद सर बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में आके। विशेष बात की अभी पंकज कमल जी ने जो ये ऐप OTT प्लेटफॉर्म जो सैंडस्टोन प्रो चालू किए हैं, और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामना है। और मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि आपका ये OTT प्लेटफॉर्म भारत में जिस तरह से स्वदेशी नाम है इसका, और सब लोग स्वतंत्र होके एक अच्छी फिल्म बनाए। अभी चूंकि पंकज भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि लोग सिनेमा बनाते हैं या जो भी छोटा बड़ा प्रोग्राम कोई भी बनाता है, कहीं ना कहीं सबको संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने भी वांटेड जैसी फिल्म बनाई है, मेरे भी मन में भावना थी कि साउथ में हिंदी में वांटेड बड़ी हिट हुई है, तो भोजपुरी में बना रहा हूँ, तो मैंने 60 दिन में मैंने फिल्म जो है कंप्लीट की थी। साउथ का फाइट मास्टर लेके मैंने और साउथ के फाइटर लेके सब बढ़िया से फिल्म बनाया। अब बढ़िया फिल्म बनाने के लिए जहाँ एक महीने का शेड्यूल होना चाहिए तो 60 दिन लग गया, तो 60 दिन का डबल बजट जाता है। सुनने में तो आया कि करोड़ों का बिजनेस हुआ, क्योंकि 2018 की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट भोजपुरी की फिल्म है। वैसी फिल्म अभी इस बीच में कोई भी फिल्म पवन सिंह की हिट नहीं मारी थी, और उसके पावर स्टार पवन सिंह हीरो भी उसके थे। लेकिन हम जैसे प्रोड्यूसर अगर इतना बड़ा रिस्क लेके बड़ा बजट की फिल्म बनाए तो अपना पैसा भी तो आना चाहिए। पैसा ना आना ये हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। पैसा लोग कमाते हैं लेकिन उनका अपना तरीका होता है। यूट्यूब पे देखेंगे तो एक एक सॉन्ग उसका जो है 30-35 करोड़ व्यूज मारा है, एक एक सॉन्ग। और फिल्म में 8-8 गाने होते हैं, 7 गाने होते हैं। पूरी फिल्म देखेंगे तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास उसका वन साइड पे जो है व्यूज है। तो सर आप लोग को तो आइडिया लग ही जाता है कितने का कितना आता होगा। एक 4 मिनट के सॉन्ग में अगर उतना पैसा आता है तो 2.5 घंटे की फिल्म में कितना पैसा आता होगा, ऐड है क्या है सब मालूम पड़ता है, लेकिन मिलता नहीं। तो मेरी तरफ से यही शुभकामना है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, आगे भी मैं अभी मनोज पांडे जी को लेकर 3-4 फिल्म बैक टू बैक मार रहा हूँ। बड़ा अच्छा अच्छा टाइटल है, सब एक्शन फिल्म बनेगी। और मुझे कहीं ना कहीं एक और हिम्मत आया कि अब फिर मैं बिग बिग बजट की फिल्म बनाऊंगा। आप लोग का सर सपोर्ट रहा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब अच्छी फिल्म बनाई जाए, और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का अगर रिकवरी तक हम लोग पहुंचते हैं, जो पैसा कमाते हैं, तो भोजपुरी में भी भले हम भोजपुरी प्रोड्यूसर हैं लेकिन यहाँ भी चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बने। आज भोजपुरी में 30-32 करोड़ की जनता है, हम बहुत पीछे हैं। फिल्में बनाते हैं, चल रही है, लेकिन सम्मान नहीं सर। आज आप लोग अगर उसका ट्रेलर खाली देखिएगा वांटेड का या सरकार राज का, तो लगेगा कि मैंने मेहनत किया है फिल्म बनाया। अगर आप लोग को समय मिलेगा जरूर देखिएगा, मैंने हिंदी या साउथ जैसा ही मैंने उसमें कुछ किया था, मतलब तुलना तो नहीं हो सकता, हिंदी अलग है साउथ अलग है, लेकिन भोजपुरी में भी कुछ अलग करने की कोशिश किया, लेकिन रिकवरी तो है सर लेकिन मिलता नहीं है। और मिलने का तरीका अगर यहाँ से लगता है तो बहुत अच्छा होगा, और आगे भी हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे। और क्या कहूँ, इतना कहने का मन कह रहा है आप लोग के बीच में, क्योंकि आज ये सैंडस्टोन प्रो ऐप जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात है। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी चिता अग्नेश सर को, पंकज कमल जी को, संदीप मलानी जी और दीपक वर्मा जी, सब पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग इस पे काम कीजिए और हम लोग आपके साथ में हैं। पंकज जी हमसे कहा करते थे कि इस पे काफी दिन से इनका प्लान चल रहा था, अभी सजा सर ने कहा
शूट के टाइम पे जो ये बात किए थे ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे तो कम से कम 15 साल से ज्यादा के ही मित्र होंगे। स्ट्रगल टाइम पे जो है हम लोग काफी दिन एक दूसरे को जानते हैं, साथ में रहे हैं, और तब से कुछ ना कुछ नया करने की इनकी जज्बा है। इन्होंने प्रोड्यूस भी किया, लॉस भी उठाया, हमने भी आज 12 पिक्चर में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिसमें कुछ में ही रिकवरी या कुछ कमाई हुई है, नहीं तो मैंने भी बहुत लॉस खाया है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा सर, फिल्में तो कंटिन्यू करनी है। और चूंकि अब कुछ कर रहा है, हमारे साथ में मनोज आर पांडे जी भी हैं जो अभी आपके बीच में आएंगे ही, और बहुत खुशी हो रही है सर। आज मैं चिता सर से मिल लिया, सजाद सर से मिल लिया, आप लोग की फिल्में देखता था जिगर, मैंने पता नहीं कितनी बार देखा होगा सर, गिनती नहीं है। पहले तो आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। मेरी मामा कहती है कि मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो, उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहां हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहती मेरा मनोज कभी हारे, और मैं भी अपने जो मेरे यंग भाई हैं जितने उनको मैं यही कहूंगा, आप लोग भी इस लाइन को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भी कभी हारे। तो पहले तो मैं कहूंगा स्वदेशी है आप, नाम बाद में लूंगा मैं, क्योंकि स्वदेशी बहुत बड़ा नाम है। स्वदेशी हर विदेशी कहीं ना कहीं पहले स्वदेशी है, जड़ है तब पुली है। खाली पुली पकड़ेंगे तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे जड़ पकड़ लिया वो सक्सेस है, तो आप लोग सक्सेस हो। रमेश कमल जी, चिता सर, आप अनुभव है कहीं ना कहीं, आपका मैं क्या नाम लूं, आप तो सरपरी है, हमारे गुरुकुल के मुखिया है, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। संदीप जी, दीपक जी, आप सभी को दिल से विशेष से कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल उन्हें जिन्हें भरोसा है खुद पर। आप सबको, आप सब पर बहुत भरोसा था, आप लोगों का कदम दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे। खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग आप हैं दबंग, डरिए ना आप किसी हाल पर, जैसे जल श्रेणा का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। तो दिल से विषय से आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इतना प्यारा ऐप है सैंडस्टोन प्रो, पहला स्वदेशी ऐप है, ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस पर जिसके राजा आप खुद है। मैं, मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट से हुई थी, मैं एडी था, मैंने साजी बहू, मैंने शाहरुख खान जी के साथ भी काम किया, यहाँ तक इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, नसीरुद्दीन शाह, मैं नाम लूँ तो बहुत सारे नाम हैं, पर सबके साथ काम किया मैंने। ये वहाँ भी एक लाइन मैंने सीखी थी जब मैं असिस्टेंट था, कि स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन गए। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि यूट्यूब का ऑप्शन है ये, और स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन के रहे, वो ज्यादा बेटर है। और मुझे इतना पता है कि आप चारों मिलकर, यहाँ तक हमारी बहन है आरती जी, जथा नामे तथा गुड़े हैं उनकी आरती से, आप सब जरूर सक्सेस होंगे। तो वह एक दिन ऐसा आएगा कि ये नर्क लोक भी स्वर्ग लोक से ज्यादा प्यारा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, दिल से विशेष आगे मैं क्या कहूँ बस। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम इंदर से मैं के अभी 35-40 ईयर्स हो गया, बट इधर एक चीज़ देखा है हमें, जो बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है, वो अपने आप को संभालता है, बट जब भी एक पैशनेट बच्चा बाहर से आता है, उसको कुछ एंटरटेनमेंट में करने का मौका मिलता है, और वो कुछ भी करके अपना घर बेच के, ये करके, वो करके, करके कुछ भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट बनाने से, पूरा बनाने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए वो बहुत मुश्किल पड़ता है उसको, और इतना मुश्किल पड़ता है कि कभी कभी वो अपने आप को ये फील्ड से मतलब निकलने का कोशिश करता है, बचा नहीं पाता है, और जो जगह से वो आता है उधर ऑलरेडी उसका एक ऑरा होता है कि वो
बॉम्बे गया है और ऐसा फिल्म में काम कर रहा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ ऑलरेडी गांव में एक पहला हुआ होता है, उसको बचाने के लिए वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो हार के अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो सरेंडर को जो चीज़ ऐसा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी हमारा ये टीम है, इसको एक नया प्लेटफॉर्म सैंडस्टॉर्म प्रो ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इसमें सब लोग वर्ल्ड का कौन सा भी कोने में अपना प्रोडक्ट को बना के, एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट को बना के अपलोड कर सकता है। और ये प्योर स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर सेल्फ सेंसर रहता है और हर फैमिली इसको देख सकता है। और उससे जो ये प्रोडक्ट का एक खासियत है, जो भी इसमें इकोनॉमिक आता है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी है और हर चीज़ शेयरिंग में होता है 50-50 को। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर इंसान को, हर बच्चे को, हर यंगस्टर को इसको मद्देनजर रखते हुए अपना एक दिल का ख्वाहिश ये प्लेटफॉर्म को तरह से पूरी कर सकते हैं। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं? अभी तो चीता भैया ने बोला, फिर पंकज ने, सबने कहा कि ये प्लेटफॉर्म का क्या, व्हाट इज़ द अर्सन। मैं ये कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म पूरी पारिवारिक है, 6 से लेकर 60 वर्ष के सब लोग देख सकते हैं। वो ऑलमोस्ट लाइक राजश्री फिल्म्स, जैसे राजश्री, यश चोपड़ा की कैसे फिल्म्स थे, सो एवरीबॉडी कैन वॉच दिस फिल्म। धार्मिक फिल्म भी होगी, पारिवारिक फिल्म होगी एंड जो भी होगी पूरी प्योर एंटरटेनमेंट होगी फैमिली विथ नो एडल्ट रेटेड, नो सेक्स रेटेड, नो एडल्ट फिल्म्स, ओनली यूनिवर्सल फिल्म होगी एंड एवरीबॉडी विल एंजॉय इट। तो आई थिंक सो इसमें द जनरेशन नाउ, जैसे कि आप जानते हैं क्या हुआ है, तो जनरेशन नाउ शुड सर्टेनली वॉच दिस एंड इंडियन कल्चर को जरूर आगे बढ़ेगा। यही कहेंगे जैसे मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, ऐसे ये मेड इन इंडिया है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब जमीन, जड़। मामी कहती थी कि बेटा जड़ जो ज़मीन पर चलता है उसको गिरने का डर नहीं होता, तो फिलहाल सैंड स्टोन प्रो को गिरने का डर नहीं है, ये सक्सेस की हो रही है और निरंतर बढ़ता ही जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी पंकज कमल जी की कि उन्होंने कहा कि इस ऐप में एक सेंसर है, सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो जिसको कहते हैं छन्नी कह लें कि छान के ही आएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही इस पर अपलोड होंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमको सेंसर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऐप में ही सेंसर है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। दिल से विशेष है कि हमको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था, ठीक है, जब हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें टैक्स वैक्स दुनिया भर का लगता है, वो काफ़ी महंगा भी हो जाता है और वो अपने हिसाब से हमें कहीं ना कहीं मूव करता है, हमको अपने हिसाब से मूव करता है, बट ये तो हमारा घर का है, ठीक है। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वदेशी है, अपने घर का खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं बाहर नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, घर का खाना बहुत अच्छा है, तो ये हमारा घर का खाना है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऐप है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। चीता भाई, हाँ जी 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 सर, मेरा तो काम ही है, मैं एक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मुझे अपलोड होना ही, ठीक है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सब कुछ हो गया है, जब सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो बहुत ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारे मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, तो आप सब ने उसको फॉलो किया है, ये सेंसर बोर्ड लगाकर, ये भी स्वच्छता अभियान ही है जो इस ऐप ने जारी किया है। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.